अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा जी, काफ़ी सारे भाई कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मुझे मैसेज भी आए थे। आते भाई 88S+ फुजी कोरा, 9S+ फुजी कोरा की बैटरी रिमूव कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। पहले तो काफ़ी सारे को मैंने देखा है वो डायरेक्ट इस पिन में लगा गए, यहाँ पे चार्जिंग वाले पिन में लगा के डायरेक्ट यहाँ पे लगा के चार्ज कर रहे होते हैं। उनको यही नहीं पता होता इसकी बैटरी रिमूव करनी कैसे है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो है, आपको बताता हूँ इसकी बैटरी रिमूव कैसे करते हैं और कैसे दोबारा उसको इंसर्ट करते हैं। तो खैर बगैर आपका टाइम ज़ाया करे बताता हूँ आपको। इसके नीचे देखें, ये आपको लॉक नज़र आ रहा है, ये वाला ये लॉक है। इस लॉक को ऊपर की तरफ प्रेस करो ना, ये बाहर आ जाता है। ये देखें, और ये बैटरी है। सिंपल सा तरीका है लेकिन काफ़ी सारे भाइयों को नहीं पता होता ये कैसे रिमूव होती है बैटरी और इसको कैसे चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट ही बस इधर पिन में जो है बैटरी अंदर पड़ी होती है, डायरेक्ट पिन में लगा देते हैं। खैर ये थी इसकी बैटरी रिमूव। और ये देखें, ये और दोबारा इसको यहाँ से यूँ करके ये लॉक हो गया, नहीं इसका लॉक है, ठीक है। और बाकी मशीनों का 62, 60, 72, 82, 80S+ इन सब का सेम ही है। उसकी बैटरी को पकड़ो और बाहर निकाल लो, बस सिंपल सा तरीका होता है। लेकिन इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके नीचे लॉक लगा होता है। इस लॉक को आप खोलेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, ये आ गया हाथ पे और बैटरी आ गई बाहर, बैटरी चली गई अंदर और इसको कर दिया लॉक। सिंपल सा तरीका है। और मशीन है 92S+। इसके इलेक्ट्रोड्स वगैरह भी चेंज करूँगा और इसकी सर्विस करूँगा और इसकी कैलिब्रेशन करूँगा और स्क्रीन की इसकी थोड़ी सी इशू आ रहा है वो ठीक करूँगा। तो मैं आपको बताऊँगा वीडियो उसके लगातार बनाऊँगा। इसके हीटर में पहले शुरू में एक मसला आया हुआ था, वो मैंने ठीक किया, लेकिन तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। और वो भी बताऊंगा अगर किसी भाई का हीटर ख़राब हो जाए, इसका 82, 80S+, 70, 80 और जितने भी ऑटोमेटिक हैं, ठीक है, किसी मशीन का भी हीटर ख़राब हो जाए तो बताएं, घर बैठे बैठे आपसे खुद ठीक करवा दूंगा। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, घर बैठे बैठे आपका हीटर ठीक हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप सर्विस स्टेशन में जाएंगे, वो मांगेंगे 80,000 रुपये का नया मीटर डलेगा और फिर आप कहेंगे मशीन गई फ़र्क हो गई। आपने साथ एक और मशीन रख लेनी है चाइना की, इससे सप्लाइसिंग करनी है और दूसरी से आपने हीट करना है, ठीक है। तो घर बैठे बैठे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हीटर ठीक होता है मशीन का, और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रोड वगैरह चेंज करूँगा वो भी बताऊँगा, और सर्विस करूँगा वो बताऊँगा कैसे सर्विस करते हैं और उसको क्लीन कैसे करते हैं और किस चीज़ से क्लीन होती है ये। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इस तरह के नई नई किसी तरह फिसल जाती है इसी तरह की नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ऐसे पकड़ो उल्टा क्यों आता है। खैर अल्लाह हाफिज़।